बाल धुल गए मुझे हम खुद जा माफा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना व्लॉग। और आज का व्लॉग का जिस तरह टाइटल से पता चल रहा है कि आज का व्लॉग है मिशन हेयर कटिंग। तो हम आज जाएंगे बाहर, सबसे पहले तो शॉप ढूंढनी है क्योंकि जिस शॉप से मैं हेयर कटिंग कराता था वो बंद हो गई है और कोई नई शॉप देखनी है। आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पे हेयर कटिंग करवा सकते हैं। डिफ़िकल्ट होता है लैंग्वेज की वजह से क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है और उन्हें कहीं कुछ और करते किसी और तरह। तो ये सारा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे लाइव और इस व्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है। सो लेट्स गो। अच्छा, तो नाइक की दुकान ढूंढने का यहाँ पे एक यूनिवर्सल साइन है जिनके बाहर लाइट्स लगी होती हैं। आपको दिखाता हूँ ये लाइट्स जो नज़र आ रही हैं, ये नाइक की दुकान है। यस, ये नाइक की दुकान, ये जहाँ पे इस तरह की लाइट्स लगी होती हैं वो नाइक की दुकान होती है। और लेट्स गो। अभी पहुँच चुका हूँ ऑलमोस्ट, देखते हैं। पहले सबसे पहले हेयर वॉश होगा। जी मैम, जैसे मर्जी बाल कटवाने हैं सबसे पहले हेयर वॉश होता है। बाल धुल गए, बाल धुलने के बाद नेक्स्ट स्टेप है कटिंग। अभी मुझे बताना पड़ेगा कि किस तरह के बाल काटने हैं। एनी हाउ, तो ये भी है दुआ बुत है दुआ तो अभी मेरे से पूछ रहा है कि बाल किस तरह काटने हैं। दिनशा वो गेनी खान चॉप है, मैं अभी तस्वीर दिखाता हूँ। ओके ओके, मुझे खुद जा माफा मेरे से पूछ रहा है कि आप क्या काम करते हो और पाकिस्तान कब जाते हो। मैंने कहा पाकिस्तान अभी वायरस की वजह से जा नहीं सकते, काफ़ी मसला है। और ये ऑलमोस्ट फाइनल टच, पता नहीं कैसे कटे हैं, बाद में देखता हूँ मैं। बाल कट गए हैं, अभी दोबारा फिर वहाँ पे बाल धोने। और उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।